तो आप दोनों बाप बेटे इसमें साथ में हैं। दामले सफारीज ये आपका एक पैशन है, आपका काम है, और अब कई सालों से लोगों को एक अलग अलग एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और तो पहली बात तो दोनों साथ में कह सकते, कई बार होता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे चाइल्डहुड से, बचपन से मुझे जो हमारे घर के आसपास जो हिल्स है, हनुमान टेकड़ी है, लॉ कॉलेज टेकड़ी है, वो एरिया में मैं बहुत घूमता था बचपन से। और सिर्फ घूमता नहीं था कि उधर जाने के बाद चलते वक्त, जाते वक्त अगर कोई अनोखी चीज़ मुझे नज़र आती थी, वो क्वार्ट्स का पत्थर हो यानी गारगोटी का पत्थर बोलते हो, तो भी अगर उसमें कुछ खास बात है तो मैं वो उठा के शेप्स लेके आता था। और उस टाइम में पुणे में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी करके एक लाइब्रेरी थी जिसमें हर अलग अलग किस्म की किताबें वहाँ मिलती थी। सो जब भी मैं खेत पे रहने को जाता था तब एक ना दो तीन चार ऐसी किताबें लेके जाता था, और मोस्टली सब किताबें थी वो अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ पे थी। और उसी टाइम मेरी वेंकटेश माडगुळकर, जो प्रसिद्ध राइटर मराठी होगा राइटर है, जी, जो वाइल्ड लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत बहुत कुछ सारा लिखा है, करेक्ट। फिर उन्होंने कई कई किताबें उनके लाइब्रेरी से भी मुझे दे दी थी। और हर दफ़ा वो एक मराठी में बात बोलते थे कि अनिल पुस्तक घेऊन जा, पण त्याला पाय नाही फुटले पाहिजे, ते परत माझ्याकडे यायला पाहिजे, इट शुड कम आई बॅक टू नो। मी। नमस्कार। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, और फिर उनको जो आनंद मिलता है ना अपने काम से, वो आनंद अपने मित्रों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ वो बांटना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक परिवार है जो अपने जर्नीज को, अपने पर्यटन को अपने क्लाइंट्स, अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं कई सालों से, और उनके कंपनी का नाम है दामले सफारीज। तो आइए मिलते हैं इनके फाउंडर्स अनिल दामले और उनके सुपुत्र अमोल दामले से, और उनसे पता करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस अलग-अलग देश विदेश में जाने का, और उनके जो अलग-अलग जो डेस्टिनेशंस हैं वो डेस्टिनेशंस उन्होंने कैसे ढूंढ निकाले, है ना, वो एक्सपीरियंस क्या है। तो चलिए हम अपने पॉडकास्ट से आप लोगों से भी बांटते हैं। आइए मिलते हैं अनिल दामले और अमोल दामले जी से। नमस्कार दामले जी, नमस्ते। आज बड़ी खुशी है कि आप दोनों आए हैं। जी हाँ, हमें भी बिल्कुल। बहुत खुशी है आज आपने हमें बुलाया ये। ड्यो बाप या बेटे, यस हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, बिल्कुल मैंने आपके सही, साथ ट्रैवल भी किया है, और हम दोस्त भी हैं, बिल्कुल सही। लेकिन हम आज है ना काम, लाइफ, पैशन अपना वो सारा डिस्कस करेंगे, और पॉडकास्ट के हमने ऐसे तो बहुत डिस्कस किया लेकिन पॉडकास्ट पे कभी, तो ये एक याद है मौका है याद जहाँ है। पे हम अपना काम, पैशन सब डिस्कस करेंगे। ने हमें बताया कि ये पॉडकास्ट आप मराठी लोगों के लिए, पर ना ही मराठी ना ही इंग्लिश में, पर हिंदी में कर रहे, तो वही हमें बहुत अच्छा लगा कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मराठी में बात करते हैं, उनकी कहानियाँ आज पूरे हिंदुस्तान में जाएगी इससे, और जो हिंदी बात करते हैं वो उन तक पहुंचेगी, वो तब तक जाएगी। सो बेसिकली काम और पैशन, मैंने कहा पैशन तो कॉमन है, हर आदमी में होता है, तो फिर बिल्कुल वो कनेक्ट तो वही भाषा में जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसी में होगा। इसी ये कोशिश यही है। तो लैंग्वेज कोई भी हो, मतलब मैं मराठी नहीं, वो हिंदी भाषी हो या कोई भी साउथ हो, आदमी वही काम और उसका पैशन, मतलब हम इस पॉडकास्ट में लाना चाहेंगे। दैट्स द होल। इसीलिए मैं शुरुआत में कह सकता हूँ कि आपने मुझे नमस्कार करके पहले बधाई दी, वैसे मैं भी बड़े आम यूट्यूब चैनल के लिए, सब लोगों के लिए नमस्ते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, आपका आशीर्वाद तो चाहिए चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि आप पहले, मतलब पहली बात तो आप दोनों बाप बेटे इसमें साथ में हैं। दामले सफारीज ये आपका एक पैशन है, आपका काम है, और अब कई सालों से लोगों को एक अलग अलग एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और जागतिक दे रहे हैं, भारत में तो दे रहे हैं, बिल्कुल जागतिक दे रहे हैं। तो पहली बात तो दोनों साथ में कह सकते, कई बार होता है कि फादर का एक अगला प्रोफेशन होता है, फिर बेटा अपना, तो आप अमोल तो इंजीनियर है, तो अमोल कुड हैव एनी अदर चॉइसेस इन लाइफ,
बट वाई दिस? बिल्कुल सही, वो तो इंजीनियरिंग करने के बाद दुबई चला गया था, उधर उसका मामा है, वो आर्किटेक्ट है, तो पहले हम सोच रहे थे वो दुबई में जाएगा फिर उधर सेटल हो जाएगा, लेकिन पहले 8-10 महीने का उसने अनुभव लेने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि अरे मैं दूसरे आदमी के लिए इतने 10-10 घंटा काम कर रहा हूँ, इससे बेहतर है मैं वापस जाऊँ और मेरे पिताजी के साथ काम करूँ। ये एक बात हो गई, लेकिन उनके चाइल्डहुड से मेरा लड़का और लड़की मैं वही बोलने वाला था, दोनों हमारे दामले सफारी के शुरुआत के टाइम में वो हेल्प कर रहे थे, तो दे वेर एक्सपोज टू ट्रैवल टूरिज्म और कैसा ट्रैवल टूरिज्म होता है, क्या करना पड़ता है, उसका उनको अंदाज आया था। जैसे बचपन में संस्कार होते हैं वैसे संस्कार मिले ट्रैवल टूरिज्म बोलने, इट्स अ वेरी बिग वर्ड आई वुड से। तो कैसे था, ये खेती करते थे तो जब वीकेंड आता था तो आज के जैसे वहाँ उस वक्त मॉल नहीं थे तो बहुत सारे वीकेंड हम खेती पे गुजारे करते थे, और उधर इनके एक दोस्त है तो उनके साथ बर्ड वॉकिंग के लिए उधर एक बहुत बड़ा तालाब है उसके नज़दीक हम जाते थे। तो जब भी मैं दुबई में भी गया तो वो सब यू नो मॉडर्न लाइफ अर्बन लाइफ अच्छा है, अच्छा लगता है 2-3 दिनों के लिए, पर उसके बाद क्या? हमें शहर में रहने से बेहतर जंगल में या नेचर में जाने से ज़्यादा मज़ा आता है जी। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ऑलरेडी दामले सफारीज इधर मेरे पिताजी कर रहे थे, तो आई थॉट इट इज़ बेटर दैट आई फॉलो माई पैशन रैदर देन जस्ट डूइंग समथिंग। जैसे आपने बोला कि आई एम अ सिविल इंजीनियर, पर उस मिट्टी से ज्यादा जंगल की मिट्टी में ज्यादा मजा आता है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ये मैं समझ रहा हूँ, यही मतलब हम इस पे शायद कहना चाहेंगे कि आपका एक जमीन से नाता रहा है और नेचर से बहुत नाता रहा है, और आपने ये जो अपना पैशन है जो नेचर से बंधे रहने का, इसको आपने प्रोफेशन कर दिया। तो पहली बात तो ये, आपको आप खेती कर रहे थे जैसे आपने कहा, आपने तो बुक भी लिखा है कि हाँ। खेती पे जो आपका पैशन रहा है, तो आप उससे ट्रैवलिंग में कैसे आ गए? क्या आपको लगा कि आपको ये ट्रैवल करना चाहिए और कैसे आपने उसका प्रोफेशन बनाया? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे चाइल्डहुड से बचपन से मुझे जो हमारे घर के आसपास जो हिल्स है, हनुमान टेकड़ी है, लॉ कॉलेज टेकड़ी है, वो एरिया में मैं बहुत घूमता था बचपन से। और सिर्फ घूमता नहीं था कि उधर जाने के बाद चलते वक्त जाते वक्त अगर कोई अनोखी चीज़ मुझे नज़र आती थी, वो क्वार्ट्स का पत्थर हो यानी गांगोटी का पत्थर बोलते हो, तो भी अगर उसमें कुछ खास बात है तो मैं वो उठा के लेके आता था और वो मैंने उसका संग्रह बनाया था, बहुत बड़ा संग्रह बनाया था। ये आप अपनी बिल्कुल बचपन की या व्हेन यू आर यंग? व्हेन आई वाज यंग, बचपन यानी पांचवी कक्षा लेकर 9वीं-10वीं का कक्षा तक। ओके। तो मेरा पहले से ही नेचर के तरफ पैशन था ही। और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी और हमारे माताजी ने हमको बचपन से बहुत घुमाया, बहुत अलग अलग जगह पे हमको इंडिया में लेके गए, कार ट्रिप से भी लेके गए। और उसमें से मैं एक कह सकता हूँ कि 1969 में मुझे पहले दफ़ा उनके साथ कान्हा नेशनल पार्क जाने का मौका मिला। और वो ज़माना ऐसा था कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का कोई किसी को मालूम नहीं था, ना ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तब मालूम होगा शायद। हाँ, क्योंकि सिर्फ कोई कोई टूरिस्ट हमारे जैसे आते थे और उधर कोई ज्यादा वर्जिन स्पेसेस तब ये सफारी पासेस फिर रिसॉर्ट्स और वो पूरा इकोसिस्टम था ही नहीं। हम तो जाके उनके मेन बंगलों में जाके रहे थे, जिसको हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बोलते हैं ना, करेक्ट, जो जंगल के अंदर रहते हैं, उधर रहने का दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज इट वाज इन 1969। ओके। तो उस टाइम से मुझे ये एक ऐसा मेरे को महसूस हो गया कि ये कोई अलग लाइफ है। सिटी लाइफ तो हम रहते ही है, हम तो एंजॉय करते हैं, लेकिन इससे भी इसमें ज़्यादा थ्रिल है, इसमें ज़्यादा बहुत चीज़ें देखने जैसी है। तो मैंने एक एक करके विद इन इंडिया भारत में जो जो अभयारण्य है, नेशनल पार्क्स है, वो देखना शुरू किया। ओके। हर साल एक दो जगह पे जाना शुरू किया।
और उसी टाइम में जब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में था, तब से मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ट्रेकिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू किया अच्छा महाराष्ट्र में। बहुत अच्छा सारे गढ़ किले हमने देख लिए और मेरा उसमें बहुत ज़्यादा लीड था कि ये सब ऑर्गेनाइज करना, कैसे खाना पकाना, क्या क्या लेके जाना साथ में, ये सारे। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हाँ, यानी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जैसे बोलते हैं ना, वो ऐसे आप ही आप मुझ में आ गए थे। सेल्फ एफिशिएंट कैसे हो, एग्जैक्टली मिनिमलाइजिंग में आप कैसे ट्रैवल करो। और हाँ, एक ऐसे ही अभी मज़े की चीज़ याद आई जब ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के बारे में हमने किया बात। तो जब मैं 10वीं में था तब एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक थी, पर अक्टूबर नवंबर 1995 इफ़ आई एम करेक्ट, तब एक सोलर एक्लिप्स था नॉर्थ इंडिया में। तो उस वक्त भी हम सब लोग इंक्लूडिंग मैं और मेरी बहन वो देखने के लिए गए, क्योंकि एग्ज़ाम तो है, हाँ वो आने वाला है, उसकी पढ़ाई करनी है। नॉट दैट वी वर ग्रेट इन स्टडीज, बट बट ऑब्वियसली ये वो एक जो टेंशन होता है। हाँ हाँ ये जो नेचुरल फिनोमिनन है ये कुछ तो यूनिक है, और मुझे ऐसे लगता है, और मैं कह सकता हूँ मेरे बैच के हार्डली 1% भी लोगों ने उस वक्त पढ़ाई छोड़ के ये नहीं किया होगा। तो ऐसे एक्सपोजर जैसे हमको मिला, वैसे ही उनको उनके माँ बाप से मिला, पेरेंट्स ने पेरेंट्स दिया। ने। बिल्कुल बिल्कुल। ओ अब समझ में आ रहा है। तो ये मतलब परंपरा रही है, जैसे आपको एक्सपोज किया गया था नेचर से और उसको बिल्कुल कैसे बारीकी से महसूस करे, राइट? इट्स नॉट जस्ट लुकिंग, यस इट्स हाउ यू एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस, हाउ यू टेक इट इन, राइट? एंड बिल्कुल दैट सही। सो ये एक्लिप्स वाला ये पहला हाँ वो था आपका? नहीं, सो ये आई थिंक 95 में था, तब हाँ धमले सफारीज की शुरुआत नहीं थी। जब 2001 में हमारा एक सोलर एक्लिप्स के लिए जाम्बिया के लिए बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, पर नहीं, वो तो खैर बाद में वाला इंटरनेशनल ट्रिप पे आएंगे। आपको आपके फादर मदर जो ट्रिप पे ले गए, या वो हाँ ये पहला था? नहीं नहीं, इसके नहीं इसके पहले भी पहले इसके पहले बहुत बहुत हो जगह चुके थे, घूमे तो हैं, घूमे थे। ठीक है। तो उसके बाद आपको ये लगाव लग गया, आपकी सिस्टर और आपकी फैमिली पूरा मतलब ये या इसमें सही, रही, नेचर में बिल्कुल रही। बिल्कुल। तो आपने अपने लिए जो भी सारी ट्रिप शुरू में की है ना, कि आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन आपको ये कब महसूस हुआ कि ये एक्सपीरियंस दूसरों को भी होना चाहिए, दूसरों को भी मिलना चाहिए, और जिसकी वजह से आपने ये ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, दामले सफारीज? ऐसे कि इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, कि जैसे आपने शुरुआत में बताया कि मैं खेती भी करता था और खेती के एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने एक किताब भी मराठी में लिखी है। 13-14 साल मैं खेती पे रहता था, जाके बहुत रिमोट ऐसी जगह थी, और उस टाइम में पुणे में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी करके एक लाइब्रेरी थी, अभी भी है फर्ग्यूसन लेकिन कॉलेज रोड पे फर्ग्यूसन कॉलेज वैशाली रोड पे, होटल जो बहुत फेमस है करेक्ट करेक्ट उसके करेक्ट सामने। करेक्ट अभी मेरा मेंबरशिप है नहीं, लेकिन वो ज़माने में मैं मेंबर था, और उधर उनका एक वाइल्ड लाइफ एंड नेचर का एक बहुत बड़ा सेक्शन था, जिसमें हर अलग अलग किस्म की किताबें वहाँ मिलती थी। सो जब भी मैं खेत पे रहने को जाता था, तब एक ना दो तीन चार ऐसी किताबें लेके जाता था, और मोस्टली सब किताबें थी वो अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ पे थी। कोई कोई जिम कार्बेट, केनिथ एंडरसन की भी किताबें वहाँ थी। तो वो पहले तो मैं नेचर के साथ रहता था फार्म पे, और ये नेचर ओरिएंटेड सब बुक, सब एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद मेरे मन में ये ऐसा बहुत, यानी मैंने पक्का किया था कि लाइफ में मैं कभी देश के बाहर जाऊंगा, भारत देश के बाहर जाऊंगा, तो मैं अफ्रीका जाऊंगा जरूर, पहले अच्छा पहले फर्स्ट टाइम। लेकिन वो और एक उधर प्रॉब्लम था कि जब मैं खेती करता था तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। वी वेर नॉट, आई मीन, सेल्फ सफिशिएंट। आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई फादर एंड मदर। सो मुझे बहुत दफ़ा लगता था कि ये तो है मन में, कभी होगा। तो उधर जो खेती है उसको लग के एक लेक था, खामगांव लेक करके। तो शाम को जहाँ मैं जब मैं वहाँ रहता तो कुछ काम नहीं था, तो उधर जाके जब भी मैं बैठता था और आकाश में कोई प्लेन फ्लाई करते हुए देखता था, तो मैं ऐसा देख के सोचता था कि कभी मिलेगा, एक दिन एक दिन कब मैं वहां हूंगा वहाँ उस प्लेन जाऊँगा। में, क्या? तो ये ऐसे सब मन में दुविधा सब ये चल रहा था, और उसी टाइम मेरी वेंकटेश माडगुळकर, जो प्रसिद्ध राइटर मराठी नोबल राइटर है, जी, जो वाइल्ड लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत बहुत कुछ सारा लिखा है, करेक्ट। तो उनका भी मैं चाहता, यानी बुक्स का चाहता था,
और वो मेरे फैमिली फ्रेंड थे, जैसे आपको मालूम है प्रभात फिल्म का हमारे जी, पीछे जी, अच्छा लीगसी है, उसके बारे में तो बात करेंगे। हाँ, तो मैं एक दिन उनके पास जाके बैठ गया और वो बहुत नज़दीक रहते थे और उनको बताया मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मुझे बहुत दिलचस्पी है। तो ही वॉज माई लाइक गाइड एंड फिलोसोफर कि वाइल्ड लाइफ देखना है ना तो ऐसे देखो। फिर उन्होंने कई कई किताबें उनके लाइब्रेरी से भी मुझे दे दी थी और हर दफ़ा वो एक मराठी में बात बोलते थे कि अनिल पुस्तक घेऊन जा पण त्याला पाय नाही फुटले पाहिजे, ते परत माझ्याकडे यायला पाहिजे, इट शुड कम बॅक टू मी। बट ही वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट की बहुत साल हमारा वो चल रहा था। तो वो करते करते वो मेरे मन में आया था कि कभी ना कभी तो मैं अफ्रीका जाऊंगा ही जाऊंगा। तो जब ही पहला मुझे 1993 में मौका मिल गया जाने के लिए, तब टूरिज्म के लिए अफ्रीका केनिया वाइल्ड लाइफ देखने के लिए जाना, ये कल्पना किसी को इतनी यानी मालूम थी, मालूम नहीं थी और किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं की थी। वो जमाने इंग्लिश में जो वर्ड है ना, आई थिंक दैट इज एप्ट, रेडिक्यूल। हाँ, ये सब छोड़ के वहाँ क्या जाना है, क्या रखा है वहाँ। कई कई लोगों ने मुझे पूछा, ये मैं प्लान कर रहा हूँ मुझे जाना है तो कितना खर्चा आएगा, वो टाइम कुछ हमको लाख सवा लाख रुपए लग गए थे। इतना पैसा देके क्या लायंस जिराफ देखने के देखने के लिए जाना है, छोड़ दो। तो दैट वाज अगेन अ टास्क टू गैदर सम लाइक माइंडेड पीपल एंड इट दैट जर्नी ऑल स्टार्टेड इन 1992। वो जमाने में इंटरनेट नहीं था, फैक्स नहीं था, एक लेटर मैंने उधर लिखा तो उसका रिप्लाई आने में एक महीना जाता था। फिर मैं उसके ऊपर मेरे क्वेश्चंस ऐसा करते करते 92 मई जून से लेकर वो 93 के जनवरी फरवरी में हमारा तय हो गया कि हम जाएंगे। करेस्पोंडेंस बहुत मुश्किल, करेस्पोंडेंस एक वन क्वेश्चन का आंसर आने में और उसका टर्न अराउंड मिनिमम एक महीना तो लगता था। उनके लिए भी ये ऐसा नयापन होगा कि कोई आ रहा है और हमारे इंडिया से ऐसा कुछ। इंडिया से आने के लिए ये नयापन था, पर अफ्रीका में हमेशा ही यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते रहे हैं, तो उनके लिए इंडिया से कोई आ रहा है ये एक नई बात है टूरिज्म के लिए। पर वैसे देखा जाए तो जैसे केनिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ईस्ट अफ्रीका में बहुत सारे इंडियन सेटल्ड है जो मे बी अभी इनकी ये फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन रही होगी उधर, पर वो एक ट्रेडर कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है। बिल्कुल। तो टूरिज्म के लिए कोई आ रहा है ये एक नई चीज़ बिल्कुल थी, पर ये एक बार आके जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं होगा ऐसे ही उनके ही मन में था टू बिगिन विथ, इफ आई एम राइट। या बट मोर देन दैट सब प्लान हो गया। फिर 93 मई में मैं उधर 7 लोगों के साथ गया था। तब जब भी मैं जाने का मेरा फाइनल हो गया तो इधर पुणे में जो कॉन्टिनेंटल प्रकाशन करके मराठी पब्लिशर्स है, उन्होंने उसके पहले मेरी एक किताब पब्लिश की थी, ये जो भारतातील अभयारण्य करके है। तो अनिरुद्ध कुलकर्णी ओनर ऑफ दैट कॉन्टिनेंटल, उसने मुझे बताया कि आप आने के बाद इसका एक्सपीरियंस लिखो। और उसने मेरी मुलाकात उस टाइम के सदानंद डुमरे जो साप्ताहिक सकाळ के संपादक थे उनसे की थी और बोले थे कि ये मेरा फ्रेंड जा रहा है अफ्रीका, उसको मैंने लिखने के लिए बोला है। मुझे मालूम नहीं था मैं कैसा लिखूंगा क्या करूंगा, फिर भी मैं आने के बाद मैंने वो एक लेख माला बोलते वैसे लिखी थी। लेकिन आपके पहले वाले क्वेश्चंस के मुताबिक जब मैं अफ्रीका गया, 17-18 दिन का वो सब टूर हो गया, हर एक दफ़ा समझो मैं मसाई मारा में पहले गया, मसाई मारा का 4 दिन का सफारी होने के बाद जब भी मैं गेट के बाहर निकलता था तो ऐसे बोलते हैं ना कि पीछे मुड़ के मैं देखता था और ऐसा मन में मुझे आता था कि चलो मेरी एक कामना पूरी हो गई, अभी क्या मैं लाइफ में फिर कभी आऊँगा या नहीं, ज़्यादा करके नहीं आऊँगा, ऐसे ही मेरे दिमाग में चल रहा था सब। क्यों आऊंगा, कहाँ से आऊंगा, ऐसा मेरे मन में था। लेकिन मैं वापस आ गया और 17-18 दिन की सफारी बहुत अच्छी हो गई। उसके उसमें कितने लोग थे? 7 लोग। 7 लोग, 7 लोग शुरू में, 7 लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड माई वाइफ। ओके, 5 पहचान वाले ही थे कि जिनको ऐसे ऑर्बिट कुछ देखने की इच्छा थी। तो मैंने जैसे शुरुआत में बोला वैसे बहुत डिफिकल्ट था कि लोगों को
समझा ना कि अफ्रीका में है कुछ, गूगल तो सर्च नहीं था ना, राइट? हाँ। वो भी नहीं था, तो लॉजेस कैसे रहेंगे, कितना रिमोट है, क्या मिलेगा उधर, नहीं, और वो बॉक्स के बाहर था ना टोटली। आपको अगर देखना है तो कहीं एक्साइटमेंट हो जहाँ सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, तो यहाँ पे एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, नेचर के साथ जुड़ा हुआ, इसके लिए शायद ये नया होगा। और दूसरी बात, ये भी हमें डर लग रहा था कि उधर अरेंजमेंट्स कैसे रहेंगे, लॉजेस कैसे रहेंगे, लेकिन हर एक जगह पे जाने के बाद आउट ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस वन अफ्रीकन सफारी, तो आउट ऑफ द वर्ल्ड सारे लॉजेस थे। फिर थोड़ा उसका स्टडी करने के बाद समझ आ गया कि इंडियन टूरिज्म, यानी इंडियन टूरिस्ट उधर जाने के पहले 20-25 साल से सब यूरोपियंस, अमेरिकन, जैसे अमोल ने अभी बताया, वहाँ जाते थे, तो ऑल अरेंजमेंट्स उनको जो अच्छी लगेगी उनके हिसाब से की थी, तो हमको तो अच्छी नहीं, अच्छी से अच्छी ही लगेगी ऐसे था। सो दैट वाज वन सेटिस्फैक्टरी थिंग कि अरे है इधर वाइल्ड लाइफ का तो कुछ पूछो मत। फिर रिलायबिलिटी इंडेक्स उधर जाने के बाद वो महसूस हुआ कि है इधर जाने के जैसा है, जाने जैसा है, अरेंजमेंट्स आर परफेक्ट। और फिर वो मेरे साप्ताहिक सकाल में एक साल तक वो लेखमाला सीरियल चल रही थी साप्ताहिक सकाल में, मराठी रीडर्स में वो बहुत पॉपुलर हो गई, इतनी कि मैं वापस आने के बाद 5-6 महीने के बाद मुझे लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया, अरे ये बहुत अलग चीज़ है, हमको जाने को मिलेगा क्या, आप लेके जाएंगे क्या? मैंने सोचा हाँ लेके जाएंगे, मुझे कुछ ऐसा अंदाज नहीं था लेके जाएंगे यानी क्या करेंगे। सो 94 में पहले 10-12 लोगों का ग्रुप आ गया मेरे पास कि हमको जाना है, जैसे आप, आपके दो फ्रेंड और एक के, ऐसे 2-3 फैमिली मिलके आ गए, वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ आ गया। सो आई थॉट चलो हमको बोल रहे तो जाएंगे, जाके आया, वो भी सफारी बहुत अच्छा हो गया। फिर वो सफारी फिनिश करने के पहले ही और कुछ लोगों ने इंक्वायरी की थी कि हमको वो लेके जाएंगे क्या, तो मैंने बोला हाँ लेके जाएंगे। तो उस टाइम अमोल की मामी दुबई में रहती थी, वो आई थी इधर और वो बोल रही थी काय चाललंय काय तुझं, कशाला जातोस, व्हाई यू आर गोइंग अगेन एंड अगेन। और उस वक्त शी वॉज वर्किंग विद सिंगापुर एयरलाइंस, और उनका देखने का नजरिया उन्होंने एक हमको दे दिया, ऐसे हाँ, मैं बोलता हूँ, यू नो सीड्स जो सो करते हैं ना, हाँ, वैसे उन्होंने वो बात की। सुरेखा शिरसागर, वो आज पुणे में भी है। व्हाट वाज दिस, क्या था? शी सेड आप खाली क्यों जा रहे हो, थिंक इट एज अ प्रोफेशन, यू हैव अ एसेट विद यू, आपको कुछ उधर की ऐसी चीज मालूम है जो कॉमन मैन को नहीं मालूम है इधर की, सो आपका जो नॉलेज है, आपकी जो पैशन है जिसके वजह से ये नॉलेज है, कन्वर्टेड इनटू अ प्रोफेशन। करेक्ट। और फिर तीसरे दफा फिर नहीं, तो वो मेरा खुद हुआ, पैसा खर्चा करके जा रहा था, तो देन आई डिसाइडेड कि हाँ आई कैन डू समथिंग आउट ऑफ इट, तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट। करेक्ट। और मजे की बात ऐसी है कि जैसी इनकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप केनिया को हो गई, वैसे ही हमारी भी हो गई, फर्स्ट टाइम दैट वी सैट ऑन अ प्लेन हम केनिया चले गए। So I always teach them, you flew at your age of less than 20 or whatever, and I flew first time at the age of 38 years. So देखो आप कितने lucky हैं, ऐसे में उनको है ना। Because of passion transcend हो गया ना, तो बाद में ये गए, तो ये तो खैर शुरू हो गया आपका ये काम। तो सबसे पहले जो मेरे ख्याल से जो मुझे मालूम है, जो ट्रिप थी, जो इक्लिप्स वाली ट्रिप थी, जो अमेरिका, अब अफ्रीका में आप ले गए थे, जहाँ पे बहुत लोगों को ले गए थे, कई लोगों का थोड़ा सा आई मीन डाउट भी होगा कि वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, तो वो इक्लिप्स वाली जो ट्रिप थी जहाँ से आपका एक्चुअली आगे शुरू हुआ, वो कौन से साल का था? दैट वाज 2001 में था, 2001 21 जून 2001 में वो इक्लिप्स दिखने वाला था जाम्बिया से। हाँ। और जैसे मैं उसके पहले केनिया में बहुत दफ़ा जाके आया था 93 से लेकर 2000 तक। तो अमोल का जो एक फ्रेंड है तुपे, हिज फादर इज वेरी वेल नोन एस्ट्रोलॉजिस्ट, और व्हाट डू यू कॉल हिम, एस्ट्रोनॉमिस्ट। सो ही है ना, उसका बहुत, उनका बहुत इसमें अभ्यास था। तो उन्होंने उनके लड़के के थ्रू मुझे मैसेज भेज दिया था कि अरे आप इतने दफ़ा अफ्रीका जाते हो, नेक्स्ट ईयर 2001 में 21 जून को वहाँ से बहुत बड़ा, बहुत अच्छी तरीके से दिखने वाला टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलने वाला है। और जैसे बीच में अमोल ने बताया कि उसके पहले हम उनके ही साथ एक एक्लिप्स देखने को गए थे
इंडिया में तो वी न्यू इच अदर, तो मैंने सोचा हाँ ये क्यों नहीं कोशिश करेंगे, इसका क्यों नहीं ट्राई करेंगे। तो एक साल पहले 2000 में जब मैं अप्रैल मई में केनिया रेगुलर ट्रिप में गया था, तब मैंने डिसाइड किया था मैं आगे जाके जाम्बिया विजिट करके आऊँगा और देखूँगा कि उधर क्या क्या अरेंजमेंट्स है क्या नहीं है, सब देख के आया। बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री था तब, अभी बहुत बदल गया। नाउ यू कैन थिंक ऑफ इतने अच्छे होटल्स लॉजेस सब आ गए। तो एक ही उधर अच्छा हमको जैसा अच्छा लगेगा ऐसा लॉज था ताज का। ताज होटल्स उस वक्त भी जाम्बिया में था, उनका अभी भी है वही प्रॉपर्टी जिसका नाम है ताज पामोजी करके। तो ऑब्वियसली मैं उधर पहले चला गया, तो उनको मैंने पूछा कि 21 जून 2001 में ये इक्लिप्स के लिए हमें कोई 10-15 रूम्स चाहिए, तो उन्होंने बोला वो सब बुक्ड है। एक्चुअली इससे ना एक बहुत अच्छी एक चीज़ अभी मुझे अगर मैं कह सकता हूँ तो, कि हमारे देश में हम बहुत ऐसा लगता है कि वी आर प्लानिंग अहेड, पर जब अमेरिकन्स यूरोपियंस ट्रैवल करते हैं तो वो हमसे भी आगे की सोचते हैं, वो 3-4 साल पहले तय करते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है जो अलग है, जो अलग किस्म का है और जो हम हमारे पर्यटकों को दिखा सकते हैं, और उसके लिए वो प्री प्लानिंग करते हैं। मतलब बिल्कुल कैलेंडर एब्सोल्युटली होती है, जैसे 3-4 साल पहले वो उनका बुक किया होता है, एक अगर हैपनिंग होगा तो उसको 3 साल पहले उसको टोटली वो नोट बुक करके और वैसे उसको बुक करके लॉक कर देते हैं। अभी हम लोग भी उनसे सीख गए हैं, कोई अलग चीज है तो हम करते ही है। तो उसकी शुरुआत 2000 में हुई थी वैसे समझो, लेकिन उधर जाने के बाद जो कोई अच्छे से अच्छे उधर होटल्स थे सब बुक थे। कोई किसी ने हमको जैसे बोलते ना दरवाजे पे खड़ा भी नहीं किया। मैंने बोला मैं एडवांस दे दूंगा, वो बोले सब हमको आ गया है हमारे सब बुक। तो उस टाइम मेरा एक फ्रेंड उधर रहता था गोखले करके, अभी इज नो मोर, तो उसके घर में मैंने स्टे किया था। तो उसने बोला ठीक है ये नहीं है तो हम ढूंढ लेंगे आप कोई। तो हमने कुछ ढूंढ के लोगों का इंतजाम हो सकता है 40-50 लोगों का, ऐसा सोच के हमने कुछ जगह पे प्लान करके बुक नहीं किया सिर्फ देख के आना था मुझे। फिर मैं विक्टोरिया फॉल्स को भी गया, विक्टोरिया फॉल्स भी मैंने देखा, वो तो अफलातून चीज़ है। और फिर मैं इंडिया वापस आने के बाद बराबर एक साल पहले 365 डेज प्रायर टू एक्लिप्स 2000 में 21 जून को पहली मीटिंग मैंने लोगों की बुलाई थी। मीटिंग है ना, जो लोग हमारे साथ पहले आके गए थे केनिया, जो पहचान वाले थे और जिनको ये कुछ एक्लिप्स के लिए इंटरेस्ट हो, ऐसे लोगों को ओपन इनविटेशन था कि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जो अलग है। और बेसिक जैसे ये बोल रहे थे, चैलेंज है कि सबको बताना कि अरेंजमेंट्स बहुत बेसिक है और हम जो देखने के लिए जा रहे हैं वो यूनिक चीज़ है, और जो लोग आए वो समझ के उन्होंने बुकिंग किया कि हम चलो ठीक है कुछ 19-20 होगा पर हम जो जा रहे हैं वो बहुत ही यूनिक चीज़ है और वो हमें देखनी ही देखनी है। सो ये आपका बिजनेस का एथिक्स इसमें बताता है कि आप लोगों को कुछ उल्टा सुल्टा इधर उधर मोस्ट ग्लोरिफाइड ऐसा जो फैक्ट्स है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस एक अलग मिलेगा, मतलब आपका फोकस ये है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए लोग तैयार होंगे, तैयार हो गए तो ये पहले से आप लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं। एब्सोल्युटली ग्रेट। तो एज अमोल ने अभी बताया वैसे वो चीज जब मैंने सब लोगों को बताई कि ऐसा ऐसा उधर है, उधर कोई अच्छे अरेंजमेंट्स नहीं है, वी विल ट्राई अवर बेस्ट थ्रू अवर कॉन्टैक्ट्स व्हिच वी हैड एस्टैब्लिश्ड इन लास्ट 6-7 इयर्स। लेकिन एक जरूर आप ध्यान में रखिए कि उधर रोड सिस्टम इतना नहीं है, होटल्स तो बिल्कुल सादे ही है और मुश्किल है अच्छे होटल मिलना। तो भी जिनको आना है यू कैन बुक दैट सफारी। पहले ही दिन 40 लोगों ने हमको एडवांस दे दिया, उसी मीटिंग को 2000 में। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि हवा में उड़ गए, यूफोरिया। तो जितना पहले आपका अरेंजमेंट किया था तो वो तो बुक हो गया, मतलब वो तो आ गया, किया नहीं था हमने, सोचा था कि 40 लोगों तो काम कर सकते। तो जिन्होंने बुकिंग किया उन्होंने अगले 8-10 दिन में और उनके फ्रेंड्स को बताया, और अनदर 2-3 वीक्स वी गॉट 60 पीपल कन्फर्म विद एडवांस पे इन टोटल। इन टोटल
देन मुझे डर लगने लगा कि अरे ये होगा रियलिटी हिट्स बोलते हैं ना, जैसे कि अभी कुछ तो अलग से प्लानिंग करना चाहिए। आपका ये बड़ा होने लगा था और आपको ये समझ में आ रहा था कि ये अपने दायरे के थोड़ा सा बाहर है, इसको आप कैसे करें, है ना? खुशी तो हो रही थी लेकिन ये भी समझ पा रहा था कि अरे उधर अगर कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे। सो आई अगेन डिसाइडेड टू फ्लू जाम्बिया इन अक्टूबर नवंबर 2000 या 2000 में फिर से गया वो गोखले को साथ में लेके, जो जो अवेलेबल हमको प्राइवेट होम स्टेज ये वो मिल गए थे, हॉस्टेल्स जो मिले थे, कुछ चर्चेस के जो हॉस्टेल्स थे वो भी बुक किए, और चर्च में सीखने के लिए जो आते हैं ना मॉनेस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, तो उधर कोई कितनी 30 या 20-25 रूम्स थे एक ही जगह पे, तो वो हमने बुक किए, वो सब ऐसा सब इंतजाम करके विक्टोरिया फॉल्स में गया फिर, और वहाँ जाके वो होटल जो गोखले में नाम ले रहा हूँ उसका फ्रेंड का एक होटल का होटल था, और उसमें 90 लोगों की व्यवस्था होने हो सकती थी। जैसे मैंने बोला कि इंडियंस थे तो ये भी सब इंडियन का ही इंडियन लोग ही थे। अच्छा, अभी भी वो है उधर, वो मैं जब भी जाता हूँ वो उनको मिलके आता हूँ। तो जैसे आप एक्सप्लोर करने लगे आपको पॉसिबिलिटीज भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बुक किया, मैं वापस आया और मैंने जैसे जाने के पहले ही नेक्स्ट मीटिंग का डेट अनाउंस किया था, तो मैंने बोल दिया कि मीटिंग का ये डेट है, आपको फिर से मिलना है सेकंड मीटिंग। बीच में मैं जब उधर था तब और 20-21 लोगों का बुकिंग होके 87 तक फिगर गया। वाओ, दैट वाज डबल से ऊपर हो ही गया, 40 का ये था प्लानिंग। एंड आई थिंक देयर वी डिसाइडेड दिस इज व्हाट इट इज। यस, यही कैपेसिटी को अच्छी तरह से अगर हम केटर कर सकते हैं तभी हम कुछ आगे जाके कर सकेंगे। तो लोगों को वहां जाने के बाद फिर क्या हुआ, इतने लोगों को आप वहां ले गए, पीपल वेर हैप्पी, पीपल वेर आई मीन एक्सपीरियंस से खुश थे? तो एक्सपीरियंस तो टोटली ऑसम आई वुड से, क्योंकि जो एक्लिप्स था उसकी जो पोजीशनिंग थी, जिस दिन के जिस वक्त में होने वाला था, क्लाउड कवर वॉज सपोज टू बी मिनिमम, वेदर अच्छा प्रेडिक्ट किया था। ओनली चैलेंज वॉज अगर जैसे अभी दिल्ली में हम सुनाई दे रहे पिछले दिनों में जो शुगर केन बर्निंग होता है उसकी वजह से विजिबिलिटी का फिर जाती है, वैसे ही वहाँ अगर हुआ तो विजिबिलिटी कम हो सकती है। सो ये सारी पॉसिबिलिटी, सारा वेदर फोरकास्ट वगैरह आपने पहले ही इसको यस वो सब टाइम। मैं जब पहले साल गया था तब वो ध्यान में रखते हुए लुसाका जो मेन कैपिटल सिटी है जाम्बिया की, उससे 35-40 किलोमीटर दूरी पे एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेन्स मैदान जैसा और वो एक रास्ते में ऐसा ऊंचाई जाने वाला रास्ता था, उसके जगह हमने फिक्स की थी, वो मैंने सब नोट करके लिया था। वो गोखले भी मेरे साथ था, उसको वो भी नेक्स्ट ईयर आने वाला था, तो उसको मैंने बताया था कि ये जगह हम भूलनी नहीं है, इधर ही आना है। तो सब गूगल पिन तब नहीं था करने के लिए, इधर जाना है। ऑफ कोर्स वो सब कर दिया हमने। फिर आप बोल रहे थे कि उधर डिफिकल्टीज क्या आई, एन नंबर ऑफ डिफिकल्टीज। ओके, मजा है कि उस वक्त बैकवर्ड यानी क्या हम बोल सकते हैं ना, तो अब एक देश की राजधानी है और उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, दिन में 8 घंटा ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो एक पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज कि वैसे वो आज से भी बहुत ज्यादा इम्पावरिश था, इसलिए कारजैकिंग जैसे बोलते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी एक चीज थी, देर वॉज नो सेलुलर कनेक्शन, तो इतने लोगों के लिए एक गाड़ी से तो नहीं हो सकता, हमने मल्टीपल मिनी वैन्स जैसे की थी, तो उनका कोऑर्डिनेशन, जैसे एक दिन ऐसे हुआ कि शाम को एक हमारी वैन पहुंची है या नहीं ये मालूम ही नहीं था, तो इसीलिए हमारा जो लोकल एक गाइड था वहाँ जिम्बा करके, उसके साथ हम रात को चले गए। रात में चलते रास्ते में जाना आई वॉन्ट से चैलेंज, ये करना ही नहीं है पर वो करना पड़ा और वो करना ही चाहिए था, इसलिए हम गए। आज अगर हम देखते हैं तो अभी जाम्बिया वैसे नहीं रहा, टोटली चेंज हो गया, तो वो चैलेंजेस से हम सीख के जो कुछ बदल कर सके, आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड अस इन द बिजनेस। एंड वन मोर थिंग, डिफिकल्टी का आप पूछ रहे, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फनी चीज मैं बताऊंगा।
वो जो चर्च में हमने अरेंजमेंट्स किया था वो कॉटेज जैसा था, दो बेडरूम के बीच में एक टॉयलेट, एक बाथ और वॉश बेसिन, ऐसी वो रचना थी। तो सब लोग यानी सुबह का सब बोलते हैं ना कि गेट विधि रेडी विधि, वो सब करके तैयार होके एक था गिवन टाइम पे उनको तैयार रहना था। तो मैं जब उधर गाड़ी लेके गया तो हाफ ऑफ द पीपल वेयर रेस्टलेस, कोई लोग बोल रहे थे पानी नहीं आया, कोई लोग बोल रहे थे ये नहीं हो गया। इतने में आपके मुंबई के फेमस ज्वेलर श्रीकांत लागू मेरे साथ थे, वो एकदम चकाचक ड्रेसअप करके आ गए, बात पीत करके, जैसे दिखता है ना आदमी का चेहरा मोहरा बोलते वैसे। तो किसी ने तो उनको पूछा हाउ डिड यू टेक बाथ, कैसे हो गया। तो वो बोल रहे थे हमारे रूम में ना बाल्टी थी ना टमरेल था, तो पानी कैसे ले लिया आपने, कैसे बात लिया आपने। तो उसने बोला बहुत सिंपल है, कचरे का डब्बा था वो मैंने एम्प्टी किया, वो साबुन से धोया, उसमें पानी भर दिया, मैंने स्नान कर दिया। और ये कितने बड़े हैं, तो इन सभी हस्तियों ने भी ये एक्सेप्ट किया था कि ना हम पर्पजली किसी को अंडर यू नो सुविधा दे रहे, दिस इज व्हाट इट इज, एंड और वो सब लोग खुशी खुशी में ये सब कर रहे थे। जैसे सो मेनी पीपल वर अलाइंड विद योर इंटेंशन ऑफ टेकिंग, इंटेंशन ये था कि भाई अपने को जाके एक्लिप्स एक्सपीरियंस करना है। इंटेंशन उनको हमारा भी पता चला कि ये चीटिंग का इंटेंशन नहीं है, जो कुछ बेस्ट अवेलेबल है वो किया है और उसके लिए एफर्ट्स भी लिए हैं, पर उसके बाद ठीक है ये फेस तो करना है, वो फेस भी किया उन्होंने और हमें हेल्प भी किया सभी। जैसे अगर कोई स्टूड बिहाइंड अस मॉरल बूस्टिंग जो बोलते हैं, हर एक का थॉट प्रोसेस सेम नहीं होता है, तो जो अनकंफर्टेबल है ऐसे में अरे चलो करो, एक दो दिन की बात है, बाद में घर जाके ही आपको रहना है। तो ये मॉरल बूस्टिंग हम एज अ टूर ऑपरेटर करना और हमारे साथ आए हुए एक पैसेंजर ने करना, इसमें बहुत फर्क पड़ गया और वो बहुत बैकिंग मिल गया हमें। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था ये टूर होने के बाद जो हस्तियां आई थी वो एक से एक बड़ी हस्तियां थी, ऊना से बाहर से, ऊना से बाहर से, तो यू दे ऑल ट्रस्टेड यू, दे ऑल ट्रस्टेड यू एंड दे आर नाउ लाइक आवर फैमिली फ्रेंड्स, एग्जैक्टली एक्सटेंडेड फैमिली। मुझे मतलब ये सबसे बड़ा वो है कि आपकी फैमिली तो इसमें है ही और कई सारी फैमिली आपसे अब जुड़ी हुई है कई सालों से जो अलग अलग एक्सपीरियंस लेना चाहती है। इनफैक्ट वो हमको बोलते हैं कि चलो अभी ये देखा हमने, जैसे केनिया देखा आपने, जाम्बिया देखा, अभी ये कुछ तो अलग इस साल करना है, व्हाट आर योर प्लान्स। सो मोर देन आवर ओन प्लानिंग पीपल अराउंड अस ऑलवेज यूज्ड टू डिक्टेट ये साल कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही हमने शुरू किया एंटार्क्टिका जाना शुरू किया, 2001 में ये हो गया इक्लिप्स, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। 2002 में ऑल अराउंड द वर्ल्ड टूर किया, उसके बाद चाइना किया, उसके बाद 2005 वाज आवर फर्स्ट साउथ पोल यानी एंटार्क्टिका की वॉयज हो गई, 12 लोग हम लेके गए थे। और वो भी टाइम ऐसा था कि टूरिस्ट वहाँ जा सकते ये भी किसी को मालूम नहीं था। तो जब हमने ये सोचा कि हम जा रहे हैं तो लोग अचरज में पड़ गए कि अरे जा सकते हैं, टूरिस्ट कैन गो देयर, नहीं तो सबको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ साइंटिस्ट जा सकते हैं। और बहुत कम लोग बैंगलोर और कलकत्ता से जिनके जिनको घूमने की यू नो एक अलग कुछ करने की है वो पहले जाके आए थे, पर इट वाज अ चांस काइंड ऑफ ट्रिप उन्होंने किया था। यानी हमारे महाराष्ट्र के लोग जाने से पहले कोई कलकत्ता से लोग गए थे, कोई बेंगलोर साउथ में से गए थे, लेकिन बहुत थोड़े थे। और मुझे ऐसा बोलना था कि उन्होंने यानी कोई भी आदमी ने इंडिया से अरेंजमेंट नहीं किया था, उनके किसी पहचान वाले ने जो यूएस में है यूरोप में है उन्होंने अरेंजमेंट किया था। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वुड से कि ऐसे पहले लोग होंगे शायद कि जिन्होंने एंड टू एंड सब इधर से किया। आपने भी नाम दामले सफारी रखा है कई बार है, ट्रैवल एंड टूरिज्म ये शब्द बहुत कॉमन है, तो ये सफारी क्यों रखा है?